हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चेतन सिद्धिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट इंटर्न हायरिंग प्रोसेस। आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मेरा एक्सपीरियंस। तो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। माय एक्सपीरियंस विद टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन टेस्ट फॉर ईएनडी एंड ईसी इंजीनियर्स। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के बारे में। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स इज ए ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी। ये कंपनी मेनली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और चिप्स को मैन्युफैक्चर करती है। इट डिजाइंस, मैन्युफैक्चर्स, टेस्ट एंड सेल्स एनालॉग एंड एम्बेडेड प्रोसेसिंग चिप्स। इट हैज मोर देन 80,000 प्रोडक्ट्स कैटरिंग टू अबाउट 1 लाख कस्टमर्स। और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट किन फील्ड्स में वर्क करती है? सच एज इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड एंटरप्राइज सिस्टम। अब हम देखेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। ये जॉब प्रोफाइल था ऑन लेआउट डिज़ाइन और वेरिफिकेशन। सबसे पहले टेक्सास इंस्ट्रूमेंट 5 मंथ इंटर्नशिप प्रोवाइड करती है। अगर स्टूडेंट का इंटर्नशिप में परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तब उसको जॉब ऑफर करती है। जॉब प्रोफाइल ऑन लेआउट और आपका बैकग्राउंड सर्क्यूट एनालिसिस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्ट्रांग होना चाहिए। और आपको कैडेंस टूल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। कस्टम आईसी लेआउट फॉर हाई परफॉर्मेंस एनालॉग एंड मिक्सड सिग्नल सर्क्यूट्स यूजिंग द लेटेस्ट कैडेंस टूल। वेरीफाई डिज़ाइन रूल्स, कनेक्टिविटी एंड सर्क्यूट पैरासिटिक विथ कैडेंस टूल। आप लोगों को वेरिफिकेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि DRC, LVS, ऐसे और भी बहुत सारे वेरिफिकेशन है, उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। और आपके पास एबिलिटी रहना चाहिए टू लर्न क्विकली, एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड रैम्प अप। और आपके पास कैन डू एटीट्यूड होना चाहिए, एबिलिटी टू मीट डेडलाइंस विथ ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सक्सेस। अब हम देखेंगे कौन इस जॉब के लिए एलिजिबल है। ENDE स्टूडेंट्स एंड EC स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर दिस जॉब। और आपका CGPA रहना चाहिए 7 एंड अबो, एंड इंटर्नशिप रहेगा फॉर 5 मंथ्स। और आप लोगों को पर वीक 5 डेज वर्क करना पड़ेगा। जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको पर मंथ 35,000 अमाउंट पे किया जाता है, प्लस 1 टाइम अलाउंस ऑफ 25,000। अगर आपका जॉब उधर लग जाता है आफ्टर इंटर्नशिप, अगर आपका परफॉर्मेंस ठीक रहेगा और आपको जॉब प्रोवाइड किया जाता है, तब आपका CTC रहेगा 14.2 लाख। अब हम देखेंगे हायरिंग प्रोसेस, हायरिंग प्रोसेस बाय टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले रहेगा ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट वॉज फॉर 40 मार्क्स और 75 मिनट्स का ड्यूरेशन एंड डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। पहले टेक्निकल राउंड था, उसमें 20 क्वेश्चन थे और टाइम था 45 मिनट्स। और बाद में एप्टीट्यूड का राउंड था, उसमें टोटल क्वेश्चन थे 20 और उसका टाइम था 30 मिनट्स। अब हम देखेंगे टेक्निकल ऑनलाइन टेस्ट में किन टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। बाद में हम देखेंगे एप्टीट्यूड में किन टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टेक्निकल में टॉपिक्स आस्क्ड इन टेक्निकल ऑनलाइन टेस्ट। RC फिल्टर्स के बारे में आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और KVL एंड KCL के बारे में, थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में, ओपैम्प फाइंडिंग आउटपुट वोल्टेजेस फॉर वेरियस कॉम्बिनेशंस, इसके बारे में आप लोगों को टेक्निकल ऑनलाइन टेस्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के बारे में, रियलाइजिंग एनी लॉजिक विथ रेस्पेक्टिव यूनिवर्सल गेट्स, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था जब मैंने अटेंड किया था ऑनलाइन टेस्ट, तो इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। और सभी टॉपिक के बारे में 2-3 क्वेश्चन तो आएंगे, ठीक है। एंड इनिशियल कंडीशंस ऑफ कैपेसिटर एंड इंडक्टर। ऑनलाइन टेस्ट में इन सभी टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे एप्टीट्यूड में टॉपिक्स आस्क्ड इन एप्टीट्यूड ऑनलाइन टेस्ट। ये सभी टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, वर्क एंड टाइम, एज प्रिडिक्शन बेस्ड, रेशियो एंड प्रपोर्शन, इंग्लिश कंप्रेंशन, सिंपल एंड कॉम्पाउंड इंटरेस्ट। तो गाइस, ये 7 टॉपिक्स, इन्हीं टॉपिक के क्वेश्चंस आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस में कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, किन टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस। सबसे पहले आप लोगों को इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है,
द इंटरव्यूअर विल आस्क यू टू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट इन डिटेल फॉर 15 to 20 मिनट्स। इसके बाद आप लोगों को और भी बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज ग्राफ फॉर डिफरेंट आईसी कॉम्बिनेशंस। इसके बाद क्लिपिंग एंड क्लैंपिंग सर्क्यूट के बारे में आप लोगों को पूछा जाता है और बेसिक रजिस्टर डिवाइडर सर्क्यूट के बारे में, CMOS इन्वर्टर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बेसिक्स ऑफ MOSFETs के बारे में, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। और इसमें आप लोगों को ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओपैम्प एंड BJT बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं, रियलाइजिंग बेसिक गेट्स विथ मल्टीप्लेक्सर, रियलाइजिंग वेरियस डिजिटल लॉजिक यूजिंग यूनिवर्सल गेट्स। ये सभी क्वेश्चंस मैंने मेरे सीनियर्स के साथ डिस्कस करके ये सभी क्वेश्चंस इधर ऐड किया है मैंने, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, सभी क्वेश्चंस पढ़ के टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे HR राउंड में HR कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को पूछते हैं, तो ये भी मैंने सीनियर्स के साथ डिस्कस करके इधर ऐड किया है। HR इंटरव्यू इन टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, टेल मी अबाउट yourself, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन जो HR आप लोगों को पूछता है। सेकेंड, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। थर्ड, What do you know about Texas Instrument? आप लोग इंट्रोडक्शन दे सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ना, वही आप लोग बोल सकते हो। What is our motto? तो इसके बारे में आप लोग इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए, और बाद में वही एनालॉग और एनालॉग लेआउट, तो ये आपके ऊपर डिपेंड होगा। अगर आपका पैशन और इंटरेस्ट है तो आप लोग बोल सकते हो। फ्यूचर प्लान्स, ये भी आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर आप फ्यूचर में M.Tech करना चाहते हो या फिर हायर स्टडीज में जाना चाहते हो तो आप लोग इधर डिस्कस कर सकते हो। हाउ वॉज इंटरव्यूइंग प्रोसेस, आप लोग डिस्कस कर सकते हो, आप लोग बोल सकते हो इंटरव्यूइंग प्रोसेस वॉज रियली नाइस। आप लोग ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर सकते हो। अबाउट डिफिकल्टी लेवल इन इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप लोग इसके बारे में डिस्कस कर सकते हो। बाद में आप लोगों को फीडबैक पूछा जाता है, फीडबैक अबाउट इंटरव्यू। तो गाइस ये रहे थोड़े क्वेश्चंस जो HR आप लोगों को इंटरव्यू में पूछता है। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़े टिप्स शेयर करूंगा, सम टिप्स टू गेट जॉब आफ्टर इंटर्नशिप। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप लोगों को उधर जॉब चाहिए इंटर्नशिप के बाद, तो मैं आप लोगों के साथ थोड़े टिप्स शेयर करूंगा। ये भी मैंने सीनियर्स के साथ डिस्कस करके आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ट्राई टू वर्क फॉर मिनिमम 10 आवर्स ए डे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट एज आई वर्क एथिक्स। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हो तो आप लोग पर डे 10 आवर्स मिनिमम वर्क कीजिए। द वर्क कल्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड यू विल लर्न ए लॉट फ्रॉम द इंटर्नशिप। आप लोगों को उधर का वर्क कल्चर है ना, उसमें फिट होना चाहिए। यू विल ऑल्सो गिवन आई लेवल टास्क टू प्लेसमेंट एंड रूटिंग ऑफ वेरियस ब्लॉक्स इन लाइव प्रोजेक्ट। आप लोगों को बहुत सारे डिफिकल्ट टास्क दिया जाता है, तो आप लोगों को रिजल्ट विद इन ए डेडलाइंस आप लोगों को लाना चाहिए। You will be graded on your basis of your performance after every 2 months 5-star based rating. 2 महीने के बाद आप लोगों को आपका परफॉर्मेंस के ऊपर आप लोगों को रेटिंग दिया जाता है। अगर आपका रेटिंग 4 रहेगा आउट ऑफ 5, तो आपका चांसेस जॉब मिलने का चांसेस बहुत ही हाई रहेगा। अगर आपका रेटिंग 2 या फिर 3 रहेगा तो टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को जॉब ऑफर नहीं करेगा। तो इसीलिए आप लोग मिनिमम 10 आवर्स वर्क कीजिए, और आप लोग डिफ़िकल्टी टास्क, जो जो टास्क डिफ़िकल्टी है ना, उसको आप लोग विद इन ए डेडलाइन शॉर्ट पीरियड में आप लोग रिजल्ट लाइए, ठीक है। और इफ़ योर परफॉर्मेंस इज नियर टू 5-star यू विल बी गिवन एम्प्लॉयमेंट। अगर आपका रेटिंग अगर आपका 4.5 है या फिर 4 है, तो आप लोगों को जॉब ऑफर किया जाता है। एक बार जॉब ऑफर करने के बाद आपका पैकेज रहेगा 14.2 लाख पर एनम। तो गाइस येरा मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ऑनलाइन टेस्ट अटेंड किया था, तो कौन से क्वेश्चंस मुझे पूछे गए थे एप्टीट्यूड में एंड टेक्निकल ऑनलाइन टेस्ट में, मैंने इधर ऐड किया है। और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लेते हो, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैंने मेरे सीनियर्स के साथ डिस्कस करके इधर ऐड किया है। अगर आपको इसके बारे में आर्टिकल पढ़ना है तो मैं आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इधर आप लोग देख सकते हो, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हायरिंग एंड इंटर्नशिप प्रोसेस। तो येरा लिंक, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ये मेरा ही वेबसाइट है, इधर से आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में एंड हायरिंग प्रोसेस के बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चंस के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो। गाइस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।